नया गाड़ी लेने आने से चाय मिलता है पीने के लिए। मजबा टाउन है रे, मजबा टाउन। हाँ वहाँ वहाँ, हाँ सखे मजा मार जा माके मार सखे ये जिन ब्रेंग ब्रेंग हदे गाड़ी बरे या बेटरी अब गडा खासे ओ ब्रेंग ब्रेंग हो गया ओ ब्रेंग ब्रेंग हो हेलो दोस्तों, हम लोग अभी टाउन पे हैं टीवीएस डीलर पे। तो अभी हम लोग मतलब रात हो गया, अभी मतलब बाइक ले जाने के लिए, नया बाइक ले जाने के लिए देख रहे हैं अभी। तो आगे अंदर पे दिखाता हूँ अभी टीवीएस बाइक, आप लोग देखते जाइएगा वीडियो को। पूरा रात भी हो गया यार, देखो किसी को चाहिए तो टीवीएस बाइक माजवाट का, ये टीवीएस बाइक डीलर है। किसको कौन सा वाला चाहिए, टीवीएस राइडर, टीवीएस सिटी प्लस, आपका टीवीएस जुपिटर एंट्रो, ये सब कलर है। और इधर हम लोग ये वाला बुक किया, और भी ये देखो जिन दाखालि माबा लॉन्च खामने माबा लायने ना गुवाहाटी थाबाला यामा लगनी नया गाड़ी लेने आने से चाय मिलता है पीने के लिए कंपनी तरफ से, ठीक है ना दोस्तों। हाँ बाइक नया का फॉर्म फिलअप कर रहा है, फॉर्म फिलअप प्रोसेसर में है अभी फिलहाल। मारते रहो अभी लॉन्च करेगा बाइक को, अभी बाइक नया का गमछा पहनाएगा बस। हैंडल पे टेढ़ा चलो सीधा करो, रो रो वा मैं फोटो करिन ना एटा, ओ एटो लाइट तो जलाई छे ऑन कर गिनी। लेमोस तो यू सागरा से छागरा रो गिफ्ट का भी नोला रे ने माबा नहीं नानी ने हेलमेट तो अलग पसंद लगा, पसंद लगा अच्छा लगे दी हेलमेट, हेलमेट तो पसंद लगे कि मोरू एट लगे हेलमेट, मोर तो क्या तो ऐसे ना हाफ यू फुल तो ना लाक लम र अच्छा हेलमेट एक्सपो नहीं कल सिर्फ बाइक को उठा के ले गया, फिर आज वॉशिंग कर रहा है, फिर से आके
कल रात को सिर्फ गाड़ी उठा के लेके गया हम लोग। अभी गाड़ी मालिक को देखे बाकी में मैं गाड़ी मालिक यार देखे वो कौन से एक गाड़ी मालिक है आरटीआर नेकेट में इसका 1.45 का था और अभी ईएमआई में आपका कितना 2.38 पहुंच गया ईएमआई में 4 साल। डाउन पेमेंट 52 बहुत ज़्यादा आता है रे आजकल, बहुत महंगा हो गया ईएमआई, ज़्यादा आ गया, वेरी हाई, ले नहीं सकता आजकल। बुड्ढा ढूंढी का रे एक 10-15 हज़ार का टुक टक चलाने के लिए सिर्फ। को लोकल में 11 का खरागू बोल के बोलता है ना, ठीक है, ये कंपनी की तरफ से दिया था, टीवीएस कंपनी की तरफ से। ये देखो टीवीएस का की जब हम लोग एलपी स्कूल में पढ़ाई करता ना तो फिर इसको बोर खाता था मतलब पहले, आज इसको फिर से खाने के लिए मिला है, अच्छा ही लगा, इतना ख़राब नहीं था फिलहाल।